अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं सलमन फिश के जो हेड है ना, उनकी तरकारी बनाने जा रही हूँ। तो देखते हैं कैसे बनती है। पहले मैंने ये वाला सालन कभी नहीं बनाया। मैंने दो प्याज लिए हैं, उनको मैं इसमें काट देती हूँ। एक टमाटर, इसको भी इसमें माशाल्लाह काटना बहुत इजी और जल्दी में हो जाता है। ये मैंने लहसुन के जुए लिए हैं 4-5, इनको भी चॉप कर लिया है, इनको नाइफ से किया है। ये प्याज, टमाटर और लहसुन, टू टेबल स्पून ऑयल, ये 10 ml। तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा या ज़्यादा डाल सकते हैं। लहसुन हल्का सा पीला हो जाए तो फिर इसमें प्याज डल जाएगा। तो टमाटर के साथ था इसलिए वो रेड कलर का पानी लग गया इसमें। जब तक ये गलता है मैं उधर साथ साथ फिश की जो हेड है उनको क्लीन कर लेती हूँ। उन्हें क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिश की जो हड्डी है ना बहुत सख्त होती है। अब आगे से उसका जो फेस है, दांत वगैरह, वो भी काटने, कान भी उसके निकाले, आंखें भी निकाली हैं। तो सिर्फ जो बैक बोन रह गई थी नेट की, वो मैंने इस्तेमाल की है। ये आप मसाला इस तरह तैयार करें जिस तरह आप चूजे के लिए करते हैं, चिकन के लिए। बसार मसाला मैंने इसमें डाला है, ये धनिया पाउडर, इतने ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये अब नमक ऐड कर लिया है। ये रही वो फिश की पीसेस। थोड़ी भून जाए फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ।
माशाल्लाह अब नीरली रेडी है। इसमें अब धनिया डालना है, थोड़ा सा नीला धनिया डाला है। फिर उसके बाद में जीरा मसाला, उसको मैं हाथ पे ऐसे करके डालूंगी। कोई इसमें फिश वाली जो है ना स्मेल वो नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इसको सिरका और हल्दी से वाश किया है। तो यहाँ की जो यूके की फिशेज हैं पता नहीं कहाँ की तैयार हुई हैं, क्योंकि इनकी स्मेल नहीं होती है। अगर कोई पाकिस्तानी शॉप से या बांग्लादेश वाली लेना, उनकी बहुत स्मेल होती है, वो मैं कभी नहीं लाई।